नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट स्लैश यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा डे 5 है लीटकोड चैलेंज का, तो स्टार्ट करते हैं सीधा स्क्रीन पे चल के। तो यहाँ मैं आ गया हूँ। आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है वाटर बॉटल्स। सो व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को रीड करके। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। देयर आर नम बॉटल्स, हमें वेरिएबल दिया होगा नंबर ऑफ बॉटल्स। वाटर बॉटल्स दैट आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर, एक नंबर ऑफ बॉटल्स दी गई है जो फुल ऑफ वाटर है। ठीक है, यू कैन एक्सचेंज नम एक्सचेंज एम्प्टी वाटर बॉटल्स फ्रॉम द मार्केट विद वन फॉर फुल ऑफ वाटर बॉटल्स। हमें दो नंबर दिए हुए हैं, एक टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स, एक नंबर ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स कुछ एक्स नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स देके एक नई फिल्ड वाटर बॉटल्स खरीद सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ ड्रिंकिंग अ फुल वाटर बॉटल टर्न्स इट इंटू अ एम्प्टी बॉटल। एक बॉटल से अगर हमने पी लिया तो वो एक एम्प्टी बॉटल बन जाएगा। ठीक है, काफी ऑब्वियस था ये। गिवन द टू इंटीजर्स नम बॉटल्स एंड नम एक्सचेंज, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स यू कैन ड्रिंक। हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल जो ड्रिंक कर सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर बेसिकली हमने, हमारे पास नाइन वाटर बॉटल्स है, नाइन वाटर बॉटल्स है। तो हमने क्या करा, हमारे को हर तीन बॉटल्स पे एक नई बॉटल मिल जाएगी, हर तीन एम्प्टी बॉटल्स पे। तो क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर बेसिकली नौ बॉटल्स खाली हुई। जब मैंने नौ पी तो मैंने नाइन पी ली, तो मेरे आंसर में पहली बात तो नाइन आ गया। ठीक है, अब मेरे नाइन को एक्सचेंज कर सकता हूँ, हर तीन बॉटल पे एक मिलेगी। तो पहली तीन बॉटल पे एक बॉटल, उसके बाद दूसरी तीन बॉटल्स पे एक बॉटल, फिर एक तीन बॉटल्स पे एक बॉटल। तो कितनी बॉटल्स हो गई हमारे पास, तीन फिल्ड बॉटल्स और आ गई। तो तीन फिल्ड बॉटल्स को मैंने ऐड कर दिया फिर से 9+। अब ये तीन को जब मैंने एम्प्टी कर दिया तो इनके भी थ्रू एक और एक्सचेंज बॉटल मिल सकती है, तो 1+1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जब इसको ड्रिंक करा तो एक ही बॉटल बची। अगर हमारे पास एक बॉटल बची है तो हम इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम वाटर बॉटल्स कितनी हो गई जो हम ड्रिंक कर सकते हैं, 9+3 12+1 13। तो हमारे आंसर कितना आ गया, 13। सो आपको ये वाला पार्ट तो समझ आएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलते हैं एक बार स्क्रीन पे और इसकी अप्रोच समझ। तो मैं यहाँ आ गया की बार। ठीक है, मैंने इनिशियली 15 बॉटल्स दे दी और मेरे को हर चार बॉटल के एक्सचेंज पे क्या मिलने वाला है, चार एम्प्टी बॉटल्स पे एक फुल वाटर बॉटल मिलने। तो देखते हैं, मेरे पास इनिशियली 15 बॉटल्स थी। तो सबसे पहले आते ही ना मुझे आंसर में आंसर वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं इनिशियल बॉटल्स को तो ऐड करता हूँ, क्योंकि उतनी वाटर बॉटल्स तो मैं पी सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने पी ली 15 बॉटल्स। अब मेरे पास 15 एम्प्टी बॉटल्स है और हर चार बॉटल्स पे मुझे क्या मिलने वाला है, एक नई बॉटल मिलने वाली है। तो अगर मैं 15 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, 15 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो क्या मिलेगा, 4 4 3 12 और 3। तो मतलब मुझे तीन न्यू बॉटल्स मिलने वाली है, न्यू बॉटल्स। तो मुझे तीन न्यू बॉटल्स मिल गई। ठीक है, तो मुझे तीन न्यू बॉटल्स मिल गई। बट आप एक चीज देखोगे, इन चार के बदले एक बॉटल, इन चार के बदले एक बॉटल, इन चार, मेरे पास तीन बॉटल्स पिछली आइट्रेशन से खाली रह गई है। ठीक है, उसको शायद मैं अगले आइट्रेशन में चेंज करा सकूं। तो मेरे पास आगे तीन एम्प्टी बॉटल्स और आ गई जिनको मैं एक्सचेंज नहीं कर पाया था पिछले। अब मेरे पास तीन बॉटल, तो ये जो पार्ट है हमें किसमें मिल रहा है, रिमाइंडर, ये है रिमेनिंग बॉटल्स, रिमेनिंग बॉटल्स जो हमारी एक्सचेंज नहीं हो पाई थी पिछली बार। ठीक है, तो अब जो मेरे पास न्यू बॉटल्स आई हैं उनको तो मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। अगर मैंने लेट से उनको ड्रिंक कर लिया तो मेरे पास +3 बॉटल्स और आ गई आंसर में। तो मेरे पास पिछली तीन बॉटल्स थी, अगली तीन बॉटल्स ये रिमेनिंग से आ गई जो पिछली बार चेंज नहीं हो पाई थी, वो तीन बॉटल्स आ गई। तो मेरे पास टोटल कितनी बॉटल्स हो गई, 6। अभी मैं 6 में से भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ, 4 डिवाइडेड बाय 6, 4 1 4 एंड 2, अब मेरे पास एक तो क्या आ गई, न्यू बॉटल आ गई, एक न्यू बॉटल आ गई हमारे पास फिर से। तो जो एक नई बॉटल आई है उसको मैं फिर से ड्रिंक कर सकता हूँ, तो मैंने फिर से 1 कर दिया। बट ये दो बॉटल अभी बच गई जो पिछली आइटरेशन में चेंज नहीं हो पाई थी, जो पिछली बार में बच गई थी, तो उनको मैंने एम्प्टी ही रख लिया अपने पास। तो मेरे यहाँ पर दो बॉटल्स आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, मेरे को अगर मैंने इसको ड्रिंक कर लिया तो +1 पहले कर दिया था मैंने। अब मेरे पास ये तीन बॉटल्स। ठीक है, अब ये जो तीन बॉटल्स है अब ये चेंज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम मेरे को कितनी बॉटल चाहिए चेंज करने के लिए, 4, और ये मेरे पास यहाँ पे तीन बॉटल्स। तो मुझे एक चीज दिख रहा है कि मुझे यही काम बार बार करना है, डिवाइड वाला बार बार करना है। जब तक, कब तक करना है, जब तक मेरी रिमेनिंग बॉटल्स मतलब मेरी नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी ना रह जाए, मेरे एक्सचेंज से कम ना रह जाए, ये वाली बात। तो मुझे कब तक काम करना है, जब तक मेरी नंबर ऑफ बॉटल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके, नंबर ऑफ एक्सचेंज, तब तक मुझे डिवाइड वाला काम करते रहना। जब तक मेरे पास चेंज का ऑप्शन है, नहीं तो मेरा चेंज का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे बार बार डिवाइड करना है,
और बार बार एक ही काम को करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, हमारा लूप यूज कर रहे होते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हम लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसका कोड लिखता हूँ, देन मैं इसको आपको ड्राई रन में और अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बनाया, आते ही आंसर होगा, आंसर इक्वल्स टू, सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉटल्स जितनी हमें दी हुई है वो तो हम ड्रिंक कर ही सकते हैं, तो मैंने नंबर ऑफ बॉटल्स तो पहले ही अपने आंसर में स्टोर कर दी कि अगर 15 बॉटल्स थी हमारे पास तो 15 तो हमने पी ही दी, ठीक है। उसके बाद वाइल, जब तक मेरी नंबर ऑफ बॉटल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके नंबर ऑफ एक्सचेंज के, तब तक मैं एक्सचेंज कर पाऊंगा बॉटल्स को, नंबर ऑफ एक्सचेंज तब तक मैं काम कर पाऊंगा। अब मेरे पास इन जो न्यू बॉटल्स बनेंगी, जो न्यू बॉटल्स चेंज होकर आएगी वो कितनी होगी, जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी। तो मैंने लिखा नम बॉटल्स डिवाइड बाय नम एक्सचेंज, नम एक्सचेंज, नम एक्सचेंज कर दिया। अब मेरे पास जो रिमेनिंग बॉटल्स बच जाएगी, रिमेनिंग बॉटल्स जो इस आइट्रेशन में चेंज नहीं हो पाई, शायद हम होप में है कि शायद वो अगले आइट्रेशन में न्यू बॉटल्स के साथ प्लस होकर शायद चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम इसी को कॉपी करके बस इसमें मॉड्यूलस लगा दूंगा। अगर मैं रिमाइंडर में मिल रही थी वो चीज़ें मुझे, तो मैंने क्या करा, रिमाइंडर में वो चीज़ लगा दी नम एक्सचेंज। अब मेरे पास जो मेरे पास आंसर में न्यू बॉटल्स को, तो मैं अपने आंसर में ऐड कर सकता हूँ क्योंकि जो न्यू बॉटल्स है वो फिल्ड है, तो उतनी तो मैं पी सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस न्यू बॉटल्स, न्यू बॉटल्स में ऐड कर दिया। अब जो मेरी नंबर ऑफ बॉटल्स अभी मेरे पास बच गई वो कितनी, नंबर ऑफ बॉटल जो मेरे पास बच गई है, एक तो न्यू बॉटल जो एम्प्टी हो गई है अभी, जो एम्प्टी हो जाएगी या फिर हो गई है बोल सकते हैं कुछ भी उसको, और जो रिमेनिंग बॉटल जो पिछले आइट्रेशन में बच गई थी बॉटल्स हमारे पास, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉटल की स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दी है, बट ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब देखते हैं जब हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैंने आंसर को रिटर्न करा, एक बार इसको रन करते हैं, तो अभी सही दे रहा है, अगर सबमिट करेंगे तो सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आ गया अपने पास, अब मैं एक बार ड्राई रन कर लेता हूँ इसका, ये किस तरीके से हमारा चल रहा होगा। तो मैंने यहाँ करा ऐड टू न्यू पेज, ठीक है। तो अभी दोबारा से उसी एग्जांपल पे देखते हैं हम लोग, बेसिकली हमारा नंबर ऑफ बॉटल्स कितना था हमारे पास, नंबर ऑफ बॉटल्स जो था हमारे पास 15 था, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना था, कितनी बॉटल के एक्सचेंज पे हमें एक नई बॉटल मिलेगी, वो जो हमारा था वो है हमारा। तो देखते हैं किस तरीके से चल रहा होगा। सबसे पहले आते ही मैंने आंसर कराया, आंसर में मैंने प्लस 15 तो पहले ही कर दी, क्यों, क्योंकि इस बॉटल में तो मैं बताया भी था आपको ये बॉटल्स तो मैं पी ही लूंगा, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ बॉटल्स अभी कितने हैं, 15, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 4 के, ऑब्वियसली ट्रू, 15 बॉटल्स हैं तो अभी चेंज हो सकती हैं। तो मैंने क्या करा, इसको आगे बढ़ाया। अब न्यू बॉटल्स कितनी आएंगी, जब मैंने नंबर 15 डिवाइड बाय 4 करा तो न्यू बॉटल्स आ गई हमारी 3, और हमारी रिमेनिंग कितनी बॉटल बच गई, वो भी 3 ही बच गई, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ डाल दी, अगर इसको और अच्छे से देखना चाहते तो मैं आप देखा भी देता हूँ, 4 3 12, तो यहाँ पर वो वाली बॉटल्स आएंगी जो हमारी एक्सचेंज होकर आई है, यहाँ पर वो वाली बॉटल्स आएंगी जो रिमेनिंग बच गई, तो यहाँ पर मैंने 3 बॉटल्स न्यू बॉटल्स में आ गई और 3 रिमेनिंग बॉटल बच गई जो हमारी एक्सचेंज नहीं हो पाई। तो मैंने 3 बॉटल जो नहीं आई थी उसको तो आंसर में ऐड कर दिया, आंसर 15 प्लस 3 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जो हमारी न्यू बॉटल्स जो एक्सचेंज हो सकती है अगले आइट्रेशन में वो कितनी है, न्यू बॉटल्स कितनी थी हमारे पास, 3 प्लस रिमेनिंग बॉटल्स 3 प्लस 3 6, तो मेरे पास रिमेनिंग बॉटल 6 आ गई, नम बॉटल्स में कितनी आ गई अभी, 6 हो गया। अब ये लूप फिर से गया घूमता हुआ, यहाँ पर डाला 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होता है ऑब्वियसली, तो मतलब अभी भी एक्सचेंज करने का ऑप्शन है हमारे पास। मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ, ठीक है। अब मैंने करा, अब न्यू बॉटल्स कितनी होगी, तो मैंने करा 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 बंदा 4 एंड 2, तो अब जो न्यू बॉटल्स में ले पाऊंगा वो कितनी होगी, 1, और जो रिमेनिंग इस आइट्रेशन में बच गई है वो कितनी रहेंगी, जो एक्सचेंज नहीं हो पाई पिछले आइट, ठीक है। तो अब मेरे पास न्यू बॉटल्स कितनी है, 1, अभी मैं न्यू बॉटल्स मेरे पास जो फिल्ड आई थी वो 1 है, तो मैंने अगर उसको कंज्यूम कर लिया आंसर में ऐड करके तो कितनी होगी, 1 वाली पार्ट भी कम्प्लीट। इसके बाद न्यू बॉटल्स कितनी होगी मेरे पास, अब जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स बची हैं वो 1 प्लस
तो 1 + 2 = 3, नंबर ऑफ बॉटल्स में कितना आ गया 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली 3 > 4 होता है, ऑब्वियसली नहीं होता, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। और ये बात सही भी है, 3 बॉटल्स हैं हमारे पास, 3 बॉटल्स को हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन था जहां पर हम चल रहे थे। अब हमारे पास ये जो है, हमारा आंसर है 15 + 3 = 8 + 1 = 19, हमारी 19 बॉटल जो थी हम ड्रिंक कर पाए, हमारा यही आंसर है। होप सो आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं कल जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और आप सभी लिंक्डइन पे जाकर पोस्ट कर दीजिए इसको विद हैशटैग DSAwithAntSlash। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं आप लोगों से।